सोलन भाजपा मंडल के नए अध्यक्ष मदन ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र चायल पहुंचने पर चायल क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाएं व ढोल नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया। मदन ठाकुर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें ताकि सोलन मंडल को और मजबूत बनाया जा सके। चायल क्षेत्र के मदन ठाकुर को सोलन भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों में खुशी की लहर है। 30 अक्टूबर को चायल क्षेत्र के रहने वाले मदन ठाकुर को सोलन भाजपा मंडल का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था। अपने गृह क्षेत्र चायल पहुंचने पर चायल क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप की अगुवाई में मदन ठाकुर का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर चायल के पूर्व प्रधान राजीव शर्मा, झाझा के पूर्व प्रधान योगेंद्र वर्मा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष धर्म सिंह तन्नू, ओम प्रकाश लंबरदार, देवेंद्र ठाकुर सहित चायल व इसके साथ लगती 7 पंचायतों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोलन भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ता आगे भी उनके साथ एकजुट होकर कार्य करें ताकि सोलन मंडल को और मजबूत बनाया जा सके। 30 तारीख को सोलन मंडल के अध्यक्ष के रूप में सोलन मंडल ने मुझे नियुक्त किया है और आज चायल में कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे यहां पर जो सम्मान दिया है, जो मेरा स्वागत किया है, मैं चायल के इन स्थानीय कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इनसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे ही चलेंगे और हम मंडल को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः इनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।